वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और गाइस अभी हाल फिलहाल हमें कोटा दशहरा मैदान में जहां पर रावण दहन होने वाला है और साथ में ही यहां पर ही मेला भरेगा जो कि काफ़ी भव्य मेला यहां पर भरता है और काफ़ी बड़ा होता है। यानी कि ये मान के चलो कि राजस्थान का तो सबसे बड़ा रावण यहीं पर दहन होगा। तो गाइस आज है 3 अक्टूबर और आज गुरुवार के दिन ही कोटा दशहरे मेले का आरंभ होने वाला है। कहने का मतलब ये है कि आज है नवरात्रा स्थापना का पहला दिन, तो आज जो प्रस्तुति होने वाली है उससे रिलेटेड जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। जैसा कि आप लोगों को मैंने मेले से संबंधित जो भी झूला मार्केट वगैरह आए हुए हैं, कौन कौन से झूले आए हैं, सारी मैंने वीडियो बनाकर आप लोगों को बता दिया है कि कौन कौन से झूले क्या क्या आए हैं। और अब जो मेले और जो रात के माहौल में जो ये चलेंगे डॉलर चक्री वगैरह, तो काफ़ी ही सुंदर लगने वाले हैं। अभी हाल फिलहाल तो जो दिन में जो व्यवस्था की गई थी उन सभी से रिलेटेड वीडियो आप लोगों ने देखी थी। और आज जो है 3 अक्टूबर 2024 को हेमा मालिनी आने वाली है कोटा दशहरे मेले में, और ये विश्व प्रसिद्ध नृत्य नाटिक दुर्गा और भव्य आतिशबाजी से क्या होगा मेले का आगाज़ होने वाला है। तो आप जो भी इच्छुक है, जो भी कोटा रहते हैं, जो भी देखना चाहते हैं, हेमा मालिनी को देखना चाहते हैं, तो 131वां राष्ट्रीय दशहरा मेला आज से शुरू होने वाला है। मैट्रिक्स कॉइन लाइट से जगमगाएगा परिसर और देख लो रावण जो है, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, ये सभी बनकर तैयार हो चुके हैं और ये भी सभी वहाँ पर बाहर निकलने वाले हैं बहुत ही जल्दी। और आज जो है आप का जो कार्यक्रम रहने वाला है उससे संबंधित मैं आपको बता दूं कि जो 131वां राष्ट्रीय दशहरा जो कोटा मेला है उसका आगाज शुक्रवार शाम से होगा और प्रख्यात अभिनेत्री जो है हेमा मालिनी की विश्व प्रसिद्ध नृत्य नाटिक दुर्गा और भव्य आतिशबाजी के साथ यहां पर विजय श्री रंगमंच पर जो भी है सारे प्रोग्राम, विजय श्री रंगमंच जो मैंने आपको बताया था जो इस पर लिखा हुआ है कोटा दशहरा, जो कि वहाँ पर पेंटिंग से लिखा गया था, वहीं पर सारे प्रोग्राम होंगे। सुबह 11 बजे निगम परिसर स्थित मंदिर में रामायण पाठ प्रारंभ होगा और शाम को 6 बजे श्री राम रंगमंच पर ध्वजारोहण के बाद श्री राम रंगमंच जो है वो कोटा दशहरा मेले का जो आपने बोर्ड देखा था स्टार्टिंग में इसी वीडियो के में, वहीं पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा ध्वजारोहण। उसके बाद यहां पर ओम बिरला जो है वो अध्यक्ष होंगे और बाकी जो भी मंत्री संतरी है जितने भी हैं सभी यहाँ पर आप लोगों को मौजूद मिलेंगे। अब आप लोग मंत्री संतरियों को देखने तो नहीं जाएंगे पर आप लोग जो प्रस्तुति हेमा मालिनी की होगी उसको देखने तो आप सभी जाने वाले हैं। तो आखिर में बहुत ही अच्छा आप लोगों को फील होगा और जो रावण का फाइनल लुक है वो आप लोगों ने देख ही लिया होगा जैसा कि पुरानी वीडियो में मैंने बताया है सभी को, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी व्यवस्था है, कवि सम्मेलन भी होगा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होगी। तो यहाँ जो पहला नंबर का गेट है वो श्री जटायु द्वार है, दूसरे नंबर का गेट है शत्रुघ्न द्वार, तीसरा भरत द्वार है, चौथा लक्ष्मण द्वार है, पाँचवा श्री राम गेट है जो कि उधर की साइड है, और जो छठा गेट है वो आशापुरा द्वार है, सातवा लवकुश, 8, 9 ऐसे करके 14 गेट है पूरे के पूरे, और जो 14वां गेट है वो श्री बाली द्वार है, है ना। तो ये सारी चीज़ें होने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय जो कलाकार है वो प्रस्तुत करेंगे, रामलला का प्रोग्राम जो है वो भी 3 अक्टूबर को शाम को 6 बजे से यहाँ पर रंगारंग प्रस्तुति होने वाली है। रामलीला की भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी, है ना। मोटिवेशन भी आप लोगों को किया जाएगा, जो भी स्टूडेंट डिप्रेशन फील कर रहे हो वो सारी चीज़ें होगी। तो मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो इसलिए बनाया है कि आप लोग जा सकें, कब क्या क्या होने वाला है। 8 बजे 9 बजे कुछ ना कुछ यहाँ पर शाम को 8 बजे करीब हेमा मालिनी की प्रस्तुति होगी, डांस होगा उनका, और आप लोग देख सकते हैं जो ड्रीम गर्ल है, है ना, उनके बारे में देख सकते हैं। पास से नज़दीक से देखने का आप लोगों को मौका मिल रहा है तो आप ज़रूर जाएं। और ये जो मेला होगा 500 से अधिक ड्रोन जो है एक साथ आसमान में उड़ान भरकर रामायण से जुड़ी आकृतियां बनाएंगे, है ना। रामायण से जुड़ी हुई आकृतियां आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, काफ़ी लाइटिंग होगी, साउंड शो होगा, सब चीज़ें होने वाली है। 15 मिनट का ये आयोजन लोगों को आसमान की ओर टकटकी लगाए देखने को मजबूर कर देगा। और ये जो मंच आप लोगों को दिख रहा है यहीं पर होगा प्रस्तुति, जो हेमा मालिनी है उसकी प्रस्तुति इसी मंच पर होने वाली है, सब चीज़ें इसी मंच के थ्रू आप लोगों को देखने को मिलेगी। और यहीं पर रावण दहन भी होगा, इस मंच पर तो नहीं होगा, इस मंच के जस्ट आगे होगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले वीडियो बनाकर बता ही दिया था कि कब क्या 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 होने वाला है, है ना। और 12 अक्टूबर को रावण दहन होगा तो बहुत ही भीड़ यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और जो है मेला स्टार्ट हो चुका है, ये मान के चलो कि आज से कुछ ना कुछ आप लोगों को स्पेशल देखने को मिलता रहेगा। तो जो भी
इच्छुक हैं, जो भी आना चाहते हैं, जिनको अच्छा लगता है, मज़ा आते हैं, मेला तो सभी को अच्छा ही लगता है। और यह है विजय श्री रंगमंच, यहीं से सारी परिस्थितियां आप लोगों को देखने को मिलेगी। और अभी हाल फिलहाल तो काफ़ी बढ़िया डेकोर कर दिया गया होगा, ये तो एक दिन पहले का वीडियो है, तो थोड़ी यहाँ पर व्यवस्था अव्यवस्था हुई हुई है, यानी कि थोड़ी व्यवस्था त्रस्त भ्रस्त हो रही है। पर आज जो आप लोग देखेंगे तो काफ़ी ही अलग लुक में आ जाएगा, काफ़ी अच्छी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। और तो क्या ही बोलूँ यार, मतलब आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि बहुत बड़ा और विशाल मेला इस बार का होने वाला है। 3D लुक में आप लोगों को राउंड नज़र आने वाला है, साथ में ही आप लोगों को बहुत बड़े बड़े झूले देखने को मिलेंगे। 360 जैसा झूला भी यहाँ पर आया हुआ है, जो कि काफ़ी रोचक और डेंजर टाइप का रहता है, तो वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। मछलियों का जो है वो भी यहाँ पर आया हुआ है, सर्कस वगैरह का भी कुछ ना कुछ प्रोग्राम होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर एंटिक इस बार आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जो भी जाना चाहते हैं, दशहरा मेला का लुत्फ़ लेना चाहते हैं, तो आज से ही मेला स्टार्ट हो चुका है, ये मान के चलो आज का उद्घाटन है। और ये मेला 15-20 दिन के लिए बढ़ता है, आराम से आप लोग जो भी प्रस्तुतियां हैं सब देख सकते हैं। इसमें कवि सम्मेलन होगा, मुशावरे का प्रोग्राम होगा, आर्केस्ट्रा, स्टार नाइट वगैरह ये सारी चीज़ें होगी। बॉलीवुड अभिनेता अभिनेत्रियां जो भी है उनकी जिनकी प्रस्तुति है वो देंगे। रामलला डेली स्टार्ट हो गई, आज से स्टार्ट हो गई है रामलला जो है, या ना रामलीला जो है वो भी आज से स्टार्ट हो चुकी है। सारी चीज़ें रामलीला अगर किसी को देखनी है तो शाम के टाइम होगी, 6 बजे के बाद से डेली स्टार्ट हो जाएगी, तो आप लोग देख सकते हैं जाके। और जैसे ही आप दक्षिण नगर निगम है उसके जस्ट सामने ही रामलीला का बढ़िया सा एक डेकोरेशन सा टाइप पंडाल बना रखा है, बढ़िया मस्त सा, देख के आया था मैं। आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाया ये अलग बात है, पर देख के जरूर आया था। और आज भी अगर जाना हुआ तो हेमा मालिनी का जो प्रोग्राम है वो भी आप लोगों को दिखा दिया जाएगा अगर जाना हुआ तो, नहीं जाना हुआ तो कोई बात है ही नहीं, है ना। आप लोग देख आना आराम से, 8 बजे शो है आज का। 131वां राष्ट्रीय दशहरा मेला आज से शुरू हो चुका है, 3 अक्टूबर 2024 को आज शाम को 8 बजे हेमा मालिनी जी की प्रस्तुति होने वाली है। जो भी हेमा मालिनी जी को देखना चाहते हैं, जो उनके फैंस हैं वगैरह वगैरह जो भी हैं, वो ज़रूर जाइएगा और देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं, है ना। तो ये ब्रैकेट्स वगैरह सब चीज़ें लगा दी है ताकि कोई हाउलड़ ना हो, कोई ऐसा शोर शराबा ना हो कि एकदम से भगदड़ ओगदड़, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए सब चीज़ें की गई है। तो थैंक यू सो मच, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।